हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रामदेव गौतम है। आज ये मीटिंग किस लिए आयोजित की गई है? आज ये मीटिंग इसलिए आयोजित की गई है कि हमने 6 नवंबर को प्रधानमंत्री ऑफिस का घेराव करना है, उसकी तैयारी को लेकर के ये मीटिंग की गई है। क्योंकि सेबी ने आवेदन मांगे थे, उन आवेदनों के तहत मात्र कुछ लोगों के ही आवेदन हो पाए हैं, अभी बाकी बहुत सारे लोग बचे हैं। उन आवेदनों को अभी तक सेबी ने पोर्टल जारी नहीं किया है, उसके विरोध में कि जो पेपर ऑफिसों में जमा हैं, जो कस्टमर हमारे मर गए हैं, जो ट्रांसफ़र केस हैं, अभी बहुत सारे केस 70% केस हमारे बचे हैं, उनको अभी सेबी संज्ञान में नहीं ले रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपनी पीड़ा को प्रधानमंत्री जी को दिल्ली जा करके बताएँ कि अभी हमारे लोग इतने बाकी रह गए हैं और इतना अमाउंट बाकी रह गया है, जिससे सारे लोगों का पेमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोडा कमेटी से बात हो और हमारा पेमेंट हमको प्राप्त हो। इसलिए ये मीटिंग का आयोजन आज मथुरा में गौरी प्लाजा पर किया गया है। ये किस पार्टी के नेतृत्व में किया जा रहा है? ये भारतीय लोक सेवा दल के बैनर तले किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय लोक सेवा दल ही एक पार्टी ऐसी है जो सारी चिटफंड कंपनियों को लेकर के चल रही है, और उसने ये कसम खाई है कि जब तक सब कंपनियों के निवेशकों का पैसा हम लोग नहीं दिला देंगे, जब तक इस सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे, इस सेबी को चैन से नहीं बैठने देंगे, लोढ़ा साहब को चैन से नहीं सोने देंगे, और सब लोगों का पैसा दिला करके रहेंगे। दिल्ली में कितनी संख्या रहने वाली है आप लोगों? दिल्ली में हमारी लाखों लोगों की संख्या रहेगी, कम से कम 5 लाख की संख्या होने के लिए जा रही है। मथुरा से भी कम से कम 5,000 लोग वहाँ जाएंगे, और वो भारतीय लोक सेवा दल के बैनर तले जाएंगे और अपनी जाकर के वहाँ सहभागिता निभाएंगे और आंदोलन को सफल बनाएंगे। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 6 नवंबर दिल्ली चलो, 6 नवंबर दिल्ली चलो। नमस्कार, हिंदुस्तान के सभी साथियों को, चिटफंड पीड़ित जिस कंपनी में भी आपका पैसा लगा है, हम लोग यहाँ सुपाहाबाद में तहसील में मानव श्रृंखला बनाकर यह महिला धूप में खड़ी हुई है। लगभग 4 साल से इस देश के प्रधानमंत्री जी को हम अपनी आवाज सुना रहे हैं कि हमारे गरीबों का पैसा दे दिया जाए, लेकिन हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। 6 नवंबर को जैसा आप दिखाई दे रहे हैं, 6 नवंबर को हम लोग दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। जितने भी हिंदुस्तान के निवेशक हैं उनसे अपील करते हैं, 6 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है जी आपका? श्याम सुंदर गौतम नाम है। क्या पद है आपका इस पार्टी के अंदर? महासचिव। अच्छा, तो ये दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है, निवेशकों में भारी रोष देखा जा रहा है, इसका क्या कारण है? कारण यही है, PACL नाम की कंपनी थी जिसको सेवी ने बंद कर दिया गया, और जब से 450 लोग हो गए आज तक, सारे लोग दलदल की ठोकरें खा रहे हैं, लोग परेशान हैं, इनके घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, नौबत अब यह आ गई है, लोग मरने को तैयार हैं किसी भी कीमत पर। और अब यही है, सब लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग 6 नवंबर को दिल्ली जाएंगे, और कम से कम मथुरा से 6-7 हज़ार लोग होंगे वहाँ पर, और पूरे इंडिया भर से लोग आएंगे, यहाँ पर लाखों की संख्या होने वाली है, और PMO ऑफिस का घेराव करेंगे, और करो या मरो यही हमारा नारा होगा। हम पैसा लेकर के ही रहेंगे, चैन से किसी को सोने नहीं देंगे। भारत सरकार की संस्था सेवी पर है और लगातार प्रयास किया जा रहा है गरीबों के हक दिलाने के लिए। किसान जी की ये बात है, आज ये मानव श्रृंखला बनाते हुए यहाँ कैसी सीमा बात के समाज का है, हम लोग भैया विचार कर रहे हैं कि तीनों प्रकार की संस्था रह रहा है, भारत माता की, इंडिया, इंडिया।
लगातार 4 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उन गरीब निवेशकों को हक दिलाने के लिए, लगातार 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम लोग 6 नवंबर दिल्ली के लिए कूच करना चाहते हैं। 6 नवंबर को दिल्ली के लिए आह्वान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री आवास का इंतजार करेंगे 6 नवंबर को। ये समस्त जनता को बता रहे हैं सुबह आवास से कि मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, महिलाएं भी खड़ी है यहाँ, ये धूप में तो चुप पड़ी हुई है। मोदी जी से विनती कर रही है कि हमारा हक दे दो, गरीबों का हक दे दो, गरीबों का हक दे दो। मोदी जी आज गरीबों के नेता थे, आज फकीर थे, क्यों इन लोगों का पैसा नहीं दे रहे हैं? सभी भाइयों से बन रही है। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण शर्मा नाम है। ये मीटिंग आज आयोजित की गई है, किस कारण की गई है, क्या रोष है? सबसे मुख्य कारण तो निवेशकों का पैसा है। जो PACL नाम की एक कंपनी है जिसमें लोगों का पैसा पिछले 5 साल से फंसा हुआ है और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और लोडा कमेटी बनाई गई है कोर्ट की तरफ, जिसको पैसा देने के लिए नियुक्त किया गया है, आज तक लोगों का पैसा नहीं मिल पाया है। तो ये दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है, इसमें मथुरा से कितने लोगों की संभावना है? हमारी संभावना हजारों लोगों की संख्या है, जब तक वहाँ पहुँचने की आशा हमें लग रही है, लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तहसील सुकोआबाद में भारतीय लोक सेवा दल की ये एक बैठक रखी गई है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है हमारे जितने भी निवेशक हैं उनका ब्याज सहित भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए। PACL कंपनी की लड़ाई लगभग पिछले 5 वर्ष से हम लोग लड़ रहे हैं। भारतीय लोक सेवा दल के बैनर तले पिछले नवंबर से हम लोगों ने इस लड़ाई को अंजाम दिया है, जिसका कि परिणाम यह हुआ कि 8 फरवरी को सेबी, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, उसने ऑनलाइन आवेदन मांगकर यह स्पष्ट कर दिया कि निवेशकों की जिम्मेदारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की है। ऑनलाइन आवेदन मांगने की तिथि अंतिम 31 अगस्त को रखी गई, 31 जुलाई तक, परंतु 31 जुलाई के बाद भी अभी निवेशकों को यह भरोसा नहीं है कि उनका पैसा कब तक मिलेगा। तो फिर से हम लोगों ने नई ऊर्जा के साथ, भारतीय लोक सेवा दल ने यह निर्णय लिया कि इस लड़ाई को अब हम दिल्ली तक दोबारा से लेकर जाएंगे, और साथ ही विभिन्न प्रांतों से होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और अन्य झारखंड होते हुए हम लोग दिल्ली पर 6 नवंबर को कूच करेंगे। क्योंकि सेबी ने जिम्मेदारी ली है तो 22 अगस्त को, जिस दिन की PACL कंपनी को बंद किया गया था, 22 अगस्त को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ ऑफिस में सेबी का घेराव किया, और इसी श्रृंखला को बरकरार रखते हुए सेबी पर दबाव बनाने के लिए हम लोग 19 सितंबर को देहरादून उत्तराखंड फिर से सेबी ऑफिस जा रहे हैं और अपनी मांगों को वहां पर रखेंगे। उसके बाद फिर अगले महीने अक्टूबर में 9 अक्टूबर को जयपुर राजस्थान में सेबी ऑफिस का घेराव किया जाएगा, क्योंकि सेबी ने जो जिम्मेदारी ली है वे अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है सेबी, और हमारा गांव से पीड़ित निवेशक जिसने खून पसीने की कमाई लगाई वे आज परेशान है। भारतीय लोक सेवा दल अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ तब तक लड़ती रहेगी जब तक कि इस देश के, हिंदुस्तान के आखिरी निवेशक का पैसा पूर्ण ब्याज सहित नहीं मिल जाता। साथियों, इसी श्रृंखला में चूंकि हमारे निवेशक सभी दिल्ली नहीं पहुंच पाते, हम लोगों ने एक महाहस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, जो कि गांव गांव तक होते हुए हर एक निवेशक तक पहुंचेंगे, और इस पर एक हस्ताक्षर लिए जाएंगे निवेशक के, साथ में एक बॉन्ड की फोटोकॉपी लगवाई जाएगी। उन फोटोकॉपियों को हम अपने सभी साथियों के साथ 6 नवंबर को लेकर दिल्ली प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, और वह देश के सामने, पूरी मीडिया के सामने दिखाएंगे कि हम कितने परेशान हैं, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं।
तो साथियों 6 नवंबर के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 6 नवंबर दिल्ली चलो, 6 नवंबर दिल्ली चलो, 6 नवंबर। इसी तैयारी के साथ 6 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से होते हुए सभी प्रदेशों के समस्त जिलों से हम लोग 6 नवंबर को दिल्ली जाएंगे और इस महाहस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बनेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद, भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद। धन्यवाद सर। जय भारत माता की।